दोस्तों, तो आज हम बात करेंगे मींड एविएशन के बारे में। मींड एविएशन के बारे में हमारा एक पहले भी हमने एक वीडियो किया था जिसमें हमने मींड एविएशन निकाला था अरिथमेटिक मीन से या नॉर्मल मीन से। तो आज जो हम मींड एविएशन की बात करेंगे वो हम निकालेंगे मीडियन से। अब देखिए, हमारे पास एक क्वेश्चन है, ये कैलकुलेट द मींड एविएशन ऑफ द फॉलोइंग डेटा यूजिंग मीडियन। अब देखिए, मीडियन से निकालने के लिए, जब हम मीडियन से मींड एविएशन को निकालेंगे तो हमको उसके लिए मीडियन कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो देख लेते तो कैसे करते हैं इसको। तो क्लास और फ्रीक्वेंसी, क्लास हमको सारी ये गिवन है, सिक्सटी तक ये सारी हमारे पास इंटरवल्स हैं। फ्रीक्वेंसीज हमको सारी गिवन है, सिक्स, एट, फोर्टीन, सिक्सटीन, फोर और टू। अब देखिए, हमको एक सेंटर चाहिए इसका, क्लास का सेंटर एक्स, 5, 15, 25, 35, 45 और 55। अब देखिए, जब भी हम मीडियन की बात करते हैं तो मीडियन के लिए हमको क्या चाहिए होता है, इसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी चाहिए होती है, सी एफ। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी यहाँ से कैलकुलेट की जाती है, आपको बताइए, 6, 14, 28, 44, 48 और 50। ठीक हो गया। सिग्मा एफ, या जिसको हम एन भी बोलते हैं, ये आपका 50 हो गया। इसे डायरेक्ट यहाँ से आप कैलकुलेट कर ही सकते हैं इसे। अब देखिए, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमने निकाल ली है, अब हमको क्या चाहिए। अगर हम जब मीन डेविएशन की बात करें तो मीन डेविएशन में हमको क्या चाहिए होता है, मॉड एक्स माइनस, वहाँ हमको मीन चाहिए होता था, यहाँ हमको क्या चाहिए होगा, मीडियन। एम डी लिख लेता हूँ इसे शॉर्ट में मैं, एक्स माइनस एम डी। अब हम मीडियन, पहले मीडियन कैलकुलेट कर लेते हैं क्योंकि मीडियन हम पे है नहीं। अब मीडियन निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है, एल प्लस एन अपॉन टू माइनस सी अपॉन एफ इंटू जो आपका इंटरवल है उसकी लेंथ। अब देख लेते हैं। अब देखिए, एन अपॉन टू से हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पर जो मीडियन क्लास है, मीडियन क्लास कैलकुलेट करते हैं। अब एन अपॉन टू की देखिए कितना है हमारे पास, एन अपॉन टू की हम बात करें तो एन अपॉन टू है हमारे पास 25। अब देखिए, 25 के हम देखिए क्लास ढूंढ लेते हैं, ये हमारे पास की क्लास आ गई, ये है 25, तो ये हो गई हमारी मीडियन क्लास। अब देखिए, लोअर लिमिट ये है हमारे पास एल 20, कर लीजिए एन अपॉन टू 25 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब देखिए, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो हमारी मीडियन क्लास होता है उससे पहले वाले की ली जाती है, सी हो गया ये 14 अपॉन फ्रीक्वेंसी, ये 14 इंटू एच, देख लीजिए एच कितना है हमारा 10। कैलकुलेट कर लेते हैं इसे, 11 अपॉन 14 इंटू 10। अब देखिए, ये सारा कैलकुलेशन करके जो हमारे पास जो वैल्यू आ रहा है इसका, वो है हमारे पास 27.86। ठीक हो गया, 27.86 हमारा मीडियन आ गया है। तो अब आपको क्या करना है, 5 में से 27.86 यहाँ पर माइनस करना है, तो माइनस में वैल्यू आएगा, लेकिन मॉड लगा रखा है हमने, तो माइनस का हमारे पास क्या हो जाता है, ये प्लस। ये फ्री, ये एक्स में से आपको माइनस करते रहना है 27.86 जो हमारे पास आया हुआ है। ठीक है, ये हो गया आपका 12.86, ये हो गया आपका 2.86। अब इसी में से फिर माइनस करेंगे आप 35 में से आप 27.86 माइनस करेंगे तो वो आएगा आपका 7.14, 17.14 और 27.14। अब देखिए, ठीक है, एक हमको जो एक और वैल्यू चाहिए होती थी जो हमने मीन डेविएशन में जब हमने अरिथमेटिक मीन से निकाला था तो वहाँ पे भी कैलकुलेट किया था, इसको आपको फ्रीक्वेंसी से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास ये हमको काम आएगा बाद में। अब देखिए, फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 6 से आपको क्या करना, मल्टीप्लाई करना है इस वाले कॉलम से, इस वाले कॉलम को आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, 137.16, 102.88, 40.04, 114.24, आपका इस वाली लाइन का आपको क्या करना है, सिग्मा एफ एक्स माइनस एम डी निकालना, मतलब इसका टोटल आपको कैलकुलेट करना है। हमने इसका टोटल कैलकुलेट किया हुआ है, ये है आपका 517.16। तो सारी वैल्यूज हमारे पास आ गई हैं, अब हमको फार्मूला अप्लाई करना है। फार्मूला क्या है एम डी के लिए, मीन डेविएशन निकालने के लिए, मीन डेविएशन निकालने के लिए बहुत ही सिंपल सा एक फार्मूला होता है, सिग्मा एफ एक्स माइनस, वहाँ पर हमने यूज किया था मीन, यहाँ पर हम यूज कर रहे हैं एम डी। वहाँ पर जो हमने फॉर्मूला यूज किया था वो था एफ एक्स माइनस एक्स बार अपॉन सिग्मा एफ। ठीक है, सिग्मा एक्स हमारे पास कैलकुलेटेड है 50,
और ये वैल्यू हमने यहाँ से निकाल ली है, तो ये क्या है 517.16। इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो ये वैल्यू हमारे पास आ रही है 10.34। देखिए जब भी आप वैल्यूज़ को निकालेंगे, चाहे आप मीडियन से निकाल रहे हैं या आप अरिथमेटिक मीन से निकाल रहे हैं, जो भी आपके पास वैल्यूज़ आएंगी, वैल्यूज़ में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, क्योंकि मीन निकालने का जो तरीका है वो अलग है और मीडियन निकालने का जो तरीका है वो अलग है। ठीक है, तो एग्ज़ाम में जो भी आपके पास जो क्वेश्चंस आएंगे वो हो सकता है कि आपसे डायरेक्ट पूछ ले कि आप मीन डेविएशन कैलकुलेट कर लीजिए, तो आप किसी भी मेथड से कर सकते हैं। लेकिन अगर आप स्पेसिफिक पूछा जाता है मीडियन से, तो आपको मीडियन से ही निकालना है, और मीन से पूछा जाता है तो आपको मीन से ही कैलकुलेट करना है।